तो प्लास्टिक रस्ट क्या है? प्लास्टिक रस्ट एक तरीके का पोल्यूशन है, जिसमें से क्या हो रहा है, रॉक्स के ऊपर की जो कोटिंग है उसमें से प्लास्टिक हो रही है, और वो प्लास्टिक को फिर जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो खा रहे हैं, और उसके बाद उनको बड़े ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो पल्यूट हो रही है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, ठीक है, आर दी स्लोली वेरिंग हाईली एनर्जेटिक बैकग्राउंड सोर्स ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टेंटली। लास्ट क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट, कैसे मतलब मैं समझा नहीं। सर कैसे हो रहा है ये पूछ रहा हूँ, ये जो प्लास्टिक क्रस्ट। अच्छा कैसे हो रहा है, अब इसकी जानकारी तो मैं मेरे पे मतलब नहीं है। ये साइंस जनरल में ये आया था कि जो रॉक्स हैं उन रॉक्स के ऊपर में, ऐसा साइंटिस्ट ने खोजा है कि के ऊपर में उनको ये प्लास्टिक का एक वो बनता, एक लेयर बनती दिख रही है, कि रॉक के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर बनती दिख रही है, और जिसको ये लोग खा रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। सर हर लोकेशन पे हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन? वो लोकेशन उन्होंने चिन्हित की है जहां पर ये हो रहा है, मतलब ऐसे बीचेस हैं जहां पर प्लास्टिक का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर। अच्छा ओके थैंक यू सर। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज आर द स्लोली वेरिंग हाईली, अरे सुनो भैया, नासा की वेबसाइट से उठा के चेप दिया हमने, है हमें भी जानकारी ना है और ना याद रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हमें दो तीन चीजें सही लगी। एक क्या है, कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग अर्थ, ठीक है, और ये सुपरनोवा के टाइम से पे जो है वो जनरेट होती है। सुपरनोवा मैंने आपको जब शुरुआत में बिल्कुल जो है मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको सुपरनोवा, ब्लैक होल, फलाना होल, ये सब बताया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस क्या होती है। अगला जरा सवाल जो है, अगला जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। अभी अभी साइंटिस्ट ने एक बात बोली है कि ये जो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज है ये अर्थ के एटमॉस्फियर को ठंडा करने में भूमिका निभा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से लो लाइंग क्लाउड्स बन जाते हैं, और लो लाइंग क्लाउड जो है वो एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट की तरह काम करते हैं, और ऊपर का जो माहौल है वो नीचे नहीं आ पाता है। और चूंकि ये जो है ज्यादा अच्छे से बनते हैं कहां, हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न पोल्स के पास में, ईस्टर्न साइबेरिया में, तो वहां पर क्या है, नीचे से ज्यादा रेडिएशन भी ऊपर जाता नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो उसकी वजह से वहां पर मामला ये ठंडा बनाए रखते हैं। फिर जियोमैग्नेटिक रिवर्सल इज अ चेंज इन अ प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द पोजीशंस ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ आर इंटरचेंज्ड। मतलब जब आप अपना जैक स्पैरो वाला वो क्या कहते हैं उसको, वो जो अरे वो गोल गोल लिया रखता है, वो सुई दिखाती इधर उधर, तो जो भी उनका वो था, जब वो आप लेंगे तो आज जहां पर जो नॉर्थ पोल है वो आपको साउथ पोल दिखेगा, अगर आपका ये जियो, हाँ हाँ कंपास कंपास, अगर ये आपका जियो मैग्नेटिक रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन ये सुबह शाम डेली नहीं होता है, इसके पास ऐसा नहीं नल्ला बैठा कोई वो काम नहीं है तो सुबह शाम चलो हम अपना जियो मैग्नेटिक रिवर्सल कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो जियो मैग्नेटिक रिवर्सल में ऐसा कहा गया कि ये दो दो पांच पांच छह छह हजार सालों में एक बार होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हर, मतलब ये नहीं है कि इतने टाइम के बाद होगा ही होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेरी करती है। तो जियो मैग्नेटिक रिवर्सल इज जब हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में फ्लिप कर जाए, उसे कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल। अगला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, अर्थ का जो नदर्न पोल है वो रैपिडली ईस्टवर्ड स्लिप हो रहा है, ईस्ट स्लिप कह रहा हूं, ईस्टवर्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। प्लूनेट्स, ठीक है, प्लूनेट्स जो है वो ऑर्फेन मून्स हैं,
मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो क्या कहते हैं अपना प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की प्रायोरिटी एक जो की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है कि वो एक तो अपने ऑर्बिट में चलता है, दूसरा वो अपने जो उसके आसपास के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी अपने ऑर्बिट में बांध के रखता है। लेकिन ऑर्फेंड मून्स क्या है, जो अपने पेरेंट प्लैनेट के इस तरह के बॉन्ड से बाहर निकल आते हैं, बाहर स्किप हो जाते हैं, उन्हें प्लूनेट्स कहते हैं, और वो किसी और स्टार के आसपास घूमने चालू हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर होता है? हाँ बिल्कुल सही बात, बोल रहे हो क्या? ठीक है ना। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इज द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेब्लिश्ड टू इंप्रूव द इंटरफेस बिटवीन साइंस एंड पॉलिसी ऑन इश्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो गई है, आसान भाषा में का मतलब ये है कि जो IBPES है वो नीदरलैंड ने बनाया था। कब बनाया था? जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 2014 या 15 में मेक्सिको में समिट हुआ था, उसके बाद में बनाया था। और इसका काम क्या था? दुनिया में फूड सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी को लेकर के काम करना। कैसे काम करना? जो पॉलिनेटर्स हैं, अरे क्या कहते हैं यार, वो जो पौधों में जिसमें वो ऊपर होता है, जिसमें उनका वो होता है, मतलब जो भी उनका सिस्टम होता है कि वो रिप्रोडक्शन का, ठीक है, तो वो जो पॉलिनेटर्स हैं उन पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, हाँ जो भी है, हमारी बायोलॉजी बड़ी कमजोर थी बचपन से, ठीक है। दो ही चीजों आप गया, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री कमजोर होने का। तो वो पॉलिनेटर्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग काम करते हैं। और इसी IBPES में जो फाइंडिंग्स हुई, जो काम हुआ, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उस पर फॉलो अप लेने के लिए ग्लोबल कोएलिशन ऑफ दी विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स को फॉर्म किया गया। सॉरी मैं गलत बता गया आपको, IBPES पहले से चल रहा था, ये ग्लोबल कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स ये नीदरलैंड ने फॉर्म करा है, ठीक है, ये नीदरलैंड ने बनाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 288 आम्रा बार्ड, आप तय मान लीजिए ये सवाल आना है लगभग लगभग, आम्रा बार्ड, ठीक है, ये क्या है? नल्ला मल्ला हिल्स में टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद में। और इससे एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई है, क्या खुद नल्ला मल्ला इंपॉर्टेंट हो गया है? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर इट लाइज अलॉन्ग अ पैच वेयर दी नल्ला वागू एंड डिंडी रिवर्स मर्ज फॉर्मिंग अ मेजर ट्रिब्यूटरी एंड कैचमेंट ऑफ दी कृष्णा रिवर, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बोली कि जो भी टाइगर रिजर्व पढ़े, कभी भी कुछ ऐसा पढ़े, तो क्या करें, उसमें हमेशा वो अगर किसी रिवर के किनारे है या नहीं वो देख लें। फिर कौन सी ट्राइब रहती है? तो यहाँ पर चेचुस ट्राइब रहती है, ठीक है, और ये जो है इनकी एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व में जो शेर चीते पाए जाते हैं, ये बड़ा उनके साथ में जो है हंसमुख तरीके से मिलजुल के बड़ा रहते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं कि ये वहां के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर यही है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखना हो, अगर कभी आपको कम्युनिटी मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखना हो, तो इनका एग्जाम्पल आप जो है वो दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इट कंटेन्स रियून्स ऑफ दी एंशंट नागार्जुन विश्वविद्यालय रन बाय द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर
नागार्जुन चार्या। अब मेरा एक काम आप कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने जो है इसमें नहीं डाला, ठीक है, आप जो है वो नागार्जुन चार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। हाँ ठीक है, तो आप जो है वो नागार्जुन चार्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, आप एक नागार्जुन जो बाद में हमारे संत हुए उन पर पढ़ेंगे और नागार्जुन चार्य पर भी पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। और सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने यहां पर यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, तो इसका स्टेटमेंट सही हुआ ई। और यहां पर क्या किया गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, किस चीज के लिए, यूरेनियम को माइन करने के लिए। अब आ गया ये सरगैसो सी पर, दो सवाल बनाए हैं सरगैसो सी पर और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। सरगैसो सी का जो नाम पड़ा है वो फ्री फ्लोटिंग सीवीड सरगैसम के नाम पर, उसका नाम सरगैसो पड़ा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो सीवीड है, इट कैन बी अ बून फॉर मरीन वाइल्ड लाइफ प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर क्रिएचर्स इंक्लूडिंग फिश एंड बर्ड्स। लेकिन इसकी एक और भी चीज होती है, ये बड़ा डिजास्टरस हो सकता है अगर ऊपर वाला जो उसकी लेयर है वो इतनी ज्यादा डेंस हो जाए कि नीचे तक जो है सनलाइट ना पहुंचे, ठीक है, और उसमें से अगर ऊपर के जो सीवीड या ये सब है ये अगर खत्म होकर के डिकम्पोज होकर के नीचे जाने लगते हैं, तब भी ये जो है नीचे की वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। फिर सरगैसम नॉट ओनली फ्रीली फ्लोट्स अराउंड द ओशन बट इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेबली ऑन द हाई सीज। आपको जो देखते हैं ना, सरगैसो सी हमेशा भरा पूरा बना रहता है, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी भी होती है सरगैसम में, तो ये ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया कि नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायर के अराउंड में होता है ये, ठीक है, और ओशन करंट से इसकी बाउंड्री लगी हुई है। द गल्फ स्ट्रीम एस्टैब्लिशेस द सरगैसो सीज वेस्टर्न बाउंड्री व्हाइल द सीज फर्दर डिफाइंड टू द नॉर्थ बाय नॉर्थ अटलांटिक करंट, टू द ईस्ट बाय कैनेडी करंट एंड टू द साउथ बाय द नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ध्यान रखिएगा चारों चीजों को, चारों करंट्स को। और मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाते समय जो है वो सरगैसो सी का डायग्राम भी भेजा था, एक बार फिर से मैंने आपको ग्रुप पे इसका डायग्राम भेज दिया है, ठीक है, देख लीजिए। मतलब आ रहा है, भी परेशान ना हो, यहाँ तो बोलोगे यस, जब कान की चीज पूछी थी तो जो है मुंह बना रहे थे, अब बता रहे हो यस, काम निकलेगा ऐसे, ना 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 ना, ना। याद ही तो रखना है, चलिए भैया आगे आइए। मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन इज द फंड्स फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर, IR में नेबरहुड फर्स्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, कि चाइना डीप पॉकेट और दुनिया पॉकेट की बात करता रहे बट साउथ एशिया की पहली पाइपलाइन कॉरिडोर किसने डेवलप करा है, हमने डेवलप करा है। ECB इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट, ये आपको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
आरबीआई ने कहा कि मान लीजिए किसी कॉरपोरेट का जो लोन है अगर वो स्ट्रेस्ड हो गया है, वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो उस लोन को आप वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर किसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वाले लेंडर को, किसी बाहर के प्लेयर को, किसी फॉरेन जो ईसीबी का मैनेजर हो उसको बेच सकते हैं। वो फिर अपना जो है उस एसेट से, जो भी उसकी कोलेटरल थी उस बंदे की, उससे जो जितना पैसा निकाल पाए वो उस पर है। ठीक है, 292 उत्कर्ष 2022 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क टू अचीव एक्सेलेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ आरबीआई फलाना फलाना। आपको क्या ध्यान रखना है, दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द है आरबीआई और दूसरा शब्द है मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। ठीक है, फिर खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा याद रहना चाहिए, एक हफ्ते का होता है ये याद रहना चाहिए, चतुर्दश देवता मंदिर। ठीक है, और अंबुबाची मेले के 15 दिन बाद होता है, और अंबुबाची मेला कहाँ होता है, कामाख्या टेम्पल असम में। और कामाख्या टेम्पल किस बात के लिए फेमस है, कामाख्या टेम्पल फेमस है अपने की मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, आषाढ़ बीज और कक्षी न्यू ईयर इज डिस्टिंग्विश्ड कल्चर वेयर अराइवल ऑफ रेन इज सेलिब्रेटेड। कक्षी कम्युनिटी जो है गुजरात में वो इसको मनाती है, ध्यान रखिएगा। जयपुर को जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। ठीक है, और इंडिया ने इसका जो नाम प्रपोज करा था वो किस कैटेगरी में प्रपोज करा था, दैट जयपुर हैज एक्सेप्शनल अर्बन प्लानिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडिजिनस तौर पर सिटी प्लानिंग और ये सारी चीजें हुई थी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। और जयपुर की खास बात क्या है, ये ग्रिड प्लान पर बना था इन द लाइट ऑफ वैदिक लिटरेचर, और सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने जयपुर को फॉर्म करा था। ठीक है, 294 एटलस ऑफ वर्ड्स लैंग्वेजेस एंड डेंजर, जिन लोगों ने यूनेस्को करा होगा पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, ठीक है ये स्टेटमेंट भी सही है। और पपुआ न्यू गिनी ग्रिड लाइन का मतलब जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो बना था, ठीक है सेक्टर वाइज ग्रिडिंग होती है, पपुआ न्यू गिनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेज है, जबकि इंडिया चौथे पर आता है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार स्पील प्रोग्राम चला रही है, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और सारी ऐसी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की बात कर रही है जिन्हें 10,000 से कम लोग बोलते हैं। ठीक है, और इसमें डायलेक्ट्स भी आती हैं, और ये मैसूर बेस्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है। तुलू तुलू, हाँ तुलू आगे आएगा मेरे हिसाब से, शायद मैंने पहले पूछ रखा है क्या तुलू, नहीं पूछ रखा। ठीक है, तो तुलू भाषा जो है ये कर्नाटक की जो भाषा है, इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कर्नाटक के दो डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है, खासकर ये कासरगोड से फेमस है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लिख लीजिए तुलू लैंग्वेज, जितना जानना था उतना बता दिया वैसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी के बारे में तीन स्टेटमेंट, मुझे लगता नहीं है सवाल आएगा, बट मैंने सोचा कि ठीक है अब क्योंकि न्यूज में आ रहा है तो उस पर बात कर दी जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, फ्रांस ने जो है वो चाइना से मास्क खरीदने की वो किया, तो चाइना ने कंडीशन रख दी है कि तुम्हें हुआवे के 5G इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे तभी हम मास्क देंगे तुम्हें।
मतलब गजब कर रहे हैं। नीदरलैंड को 50,000 मास्क दिए, वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अंडरगारमेंट्स के मास्क बना के दे दिए हैं वहां पर। मतलब पहले ये उसमें आया था उसके मतलब मजाक के तौर पर, बट अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान और नीदरलैंड दोनों के साथ ये चीज हुई है। खैर, मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र की, और 9th से 12th सेंचुरी के बीच में बने थे, ठीक है, और इनका वेन गंगा रिवर के किनारे पर है। तो आप करेंगे क्या, वेन गंगा रिवर के बारे में पढ़ लेंगे। अब यहां से मैं काले बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट में जैसे बोल रहा हूँ ना कि रिकरिंग है, ठीक है। तो वेन गंगा रिवर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और गोदावरी की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मिनी खजुराहो, ठीक है, या खजुराहो ऑफ विदर्भ। दे बिलोंग टू शैव, है दे बिलोंग टू शैव वैष्णव एंड शक्तिफेद, द टेम्पल्स बिलोंग टू नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और जब बात आएगी नागर की, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ये वाली फोटो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पता नहीं, नहीं 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 भाई जी, बात सही नहीं है। नागर 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 यार, फोटो मैंने यार खींची तो थी, तुम लोगों के लिए मिल नहीं रही है, ग्रुप पे देखो जरा। ग्रुप पे देख लो जरा भाई फोटो, ठीक है ना। तो नागर जो है शैली, उसके बारे में जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ पढ़ा लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत है नहीं। और कलश अमालक और जगती, ये फीचर्स हैं नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के, ठीक है। कोलिस्टीन इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री इज सेट टू बी अ मेजर रीजन फॉर द इंक्रीज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन इंडिया। ऐसे खून निकालो खून हाथ से, और खून से लिख लो कोलिस्टीन, ठीक है। और कोलिस्टीन काहे में यूज होता था, बहुत पुराना एंटीबायोटिक है, प्लेग कॉलरा टाइफाइड इन सबको टैकल करने में यूज होता था। और अगर आपकी हिम्मत होए तो ग्राम निगेटिव बैकली अगर आपको याद हो जाए तो याद रखना, वैसे हमें लगता नहीं है कि वहां पर वो इतना घुसेंगे अंदर पूछेंगे, ठीक है। फिर कोलिस्टीन के बारे में और क्या, WHO ने बोला कि ये रिजर्व एंटीबायोटिक है। रिजर्व एंटीबायोटिक क्या होती है, जिसको लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर यूज करा जाए, फर्स्ट लाइन यूज ना करा जाए, जिसका उसे कहते हैं रिजर्व एंटीबायोटिक। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको बैन कर दिया है, किस एक्ट के अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर में। मतलब एक और प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन जो आज तक चल रहा है, दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और इसका की पर्पस क्या है, इसका की पर्पस है कि जो कंट्री में ड्रग्स वगैरह हैं, दवाइयां वगैरह हैं, उनका सही से रेगुलेशन हो। और इसी के अंदर में दो अथॉरिटीज पर बनी है, पहली अथॉरिटी कौन सी है, ड्रग टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB, ड्रग टेक्नोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड।
ये जो है इसी की रिकमेंडेशन पर कोई भी दवाई भारत में, कोई भी एंटीबायोटिक को फलाना ढिकाना भारत में बैन होती है. इट इज हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स इन द कंट्री. इट इज कंस्टिट्यूटेड एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. फिर सर हाँ, ये जो 298 क्वेश्चन है, इसमें जो नगर आर्किटेक्चर के फीचर है, इसमें खेल कर सकते हैं वो, जैसे कलश है और ये भी जो आपने दो तीन बताए, तो हाँ, इसमें कुछ और डाल के खेल कर सकते हैं वो. हाँ, वो देख लेना जी. फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बच्चे बच्चे को पता है, चप्पे चप्पे को खबर है इस बात की कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है. अगर किसी को ना पता हो तो वो बगल में सल्फास या ऑल आउट की व्यवस्था कर ले. दूसरी कौन सी है, क्या दूसरी कौन सी, दूसरी कौन सी क्या है? डीटीएबी, डीटीएबी और सीडीएस को, ठीक है. अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं नहीं अच्छा एक बॉडी है डीटीएबी, दूसरी बॉडी है जीईएसी, तीसरी बॉडी है सर्व. ये तीन बॉडीज ध्यान रखिएगा, डीटीएबी, जीईएसी और एसईआरबी और एनपीपीए, चार बॉडीज ध्यान रखना. ग्रुप पे लिख दो एक आदमी जरा तेजी के साथ में. और क्या बोली है, ठीक है. तो ये पांच बॉडीज मैंने भेजी हैं, इन पांच बॉडीज को ध्यान रखना. पांचवी कौन सी है, ईपीसीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है. चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सबको पता है, WIPO लाता है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड के साथ में. इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्री है साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. और इंडिया के साथ एक और अच्छी चीज क्या है, इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूट्रॉनिक्स की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हम जो है वो टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर्स के मामले में बेंगलोर और इस तरह के जो सिटीज हैं उनके मामले में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. गवर्नमेंट इंक्ड पैक्ट विद IBM फॉर अंडरटेकिंग अ पायलट स्टडी टू यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर. AI चूंकि उभरता हुआ सब्जेक्ट है, नया अच्छा टॉपिक है, तो AI पर जो भी सवाल, जो भी स्टेटमेंट इधर उधर कहीं दिखेंगे उनको पढ़ना होगा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है इसके, ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं. एक NIC में पोर्टल बन रखो हवे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काम आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा इस चीज को. मेटा डेटा, ऐसा डेटा जो किसी डेटा के बारे में जानकारी देता हो उसे कहते हैं मेटा डेटा, जिसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा. डेटा डेटा बहुत हो रहा है. आगे आते हैं DNA पर. DNA है, हमें देखो भैया, हो सकता है आप लोग ज्यादा
ज्ञानवान हो, आप बोले अरे ये क्या फालतू का क्वेश्चन दे दिया, डीएनए के बारे में किसे नहीं पता है, हमें भैया नहीं पता है, हमारी जीव विज्ञान कमजोर थी है तो हमने अपने हिसाब से डाल दिया, हमें लगा वो सवाल इस तरह के पूछते रहते हैं बेसिक साइंस पर, तो ये डाल दिया जाए, जिन लोगों का ईगो हर्ट हो गया उससे उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सारा अमाउंट है वो सेल न्यूक्लियस में नहीं होता है, कुछ अमाउंट मिटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठ सकता है कि ये क्यों आया न्यूज में, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए वाला बिल आया था जिसकी वजह से न्यूज में आया था। गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रॉपर एक एडवाइजर्स की और जो ब्यूरोक्रेटिक हेड्स हैं उनकी डायरेक्टर्स हैं जो उनकी काउंसिल है, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है एडवाइजरी काउंसिल है, एडवाइजर्स की काउंसिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन में आपको करना क्या है कि जितनी चीजें मैंने दी हैं इसको कहीं अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी ऑप्शन में मैंने जितनी चीजें दी हैं आपको उन सब चीजों के बारे में अलग अलग दो दो लाइनें पढ़नी होंगी कि उसका तरीका जो भी लिखा हुआ है वो एक्चुअली में है क्या, उसका यूज क्या है, वो आपको पढ़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसको आप फोटो खींच करके चाहे तो ग्रुप पे भी डाल दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, आगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टडी इन इंडिया हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू टारगेट फॉरेन स्टूडेंट्स बाय ब्रांडिंग इंडिया एज एन अट्रैक्टिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सही बात है। और इसके अलावा क्या ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है MEA का, MHRD का, होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ध्यान रखिएगा। 305 का ए आपको सरल लगेगा, 305 का ए आपको सरल लगेगा, क्यों? क्योंकि ए वाले पे हमने बहुत बार बात कर रखी है खेल बी में, क्यों? क्योंकि जनरली आपको क्या लगेगा कि जो चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मॉनिटर कर रही होगी उसका इंप्लीमेंटेशन सही से करा रही होगी वो सब नीति आयोग के अंदर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में NIEF डिजाइन किया गया है, ध्यान रखेंगे। अल्यूस्ट्रिक्ट सरोगेसी क्या होती है? जहां पर सरोगेट मदर को कपल पे नहीं करता है कुछ भी अदर देन मेडिकल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सरोगेसी बिल चर्चा में था। और आपको क्या पता है कि ट्रांसजेंडर राइट्स बिल इस साल हमारे यहाँ एक्ट बना, ठीक है, और ट्रांसजेंडर राइट्स हमारे यहाँ जो है वो एक्ट बना, और ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट में क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स का प्रावधान है जिसके बारे में बोला गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बनाएगी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसका जो है हेड होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर सवाल आता है रेड मड के बारे में, ये रेड मड क्या है? रेड मड है बॉक्साइट का रेजिड्यू, ठीक है, और ये एक सॉलिड वेस्ट होता है एल्युमिनियम को बनाने के टाइम पर, बहुत ज्यादा हाईली एल्कलाइन होता है जिससे कि ये कोरोजन और रस्टिंग वगैरह को प्रमोट करता है, और इसका अच्छा ठीक है हाँ सॉइल को डैमेज करता है, और इसका जो यूज है वो कहाँ कर सकते हैं, ईंटें बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, और उसके साथ साथ में एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने में भी कर सकते हैं, ठीक है। 307, अब यहां से सारे सवाल आप लोगों को आते होंगे, ठीक है, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में आपको जानकारी है कि ये जो मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं
आपको ये भी पता रखा गया है कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में यूनाइटेड नेशंस ने हमको एक्सकवेशन का राइट दे रखा है, आपको ये भी पता रखा गया है कि डीप ओशन अच्छा ठीक है, तो आपको ये भी बता रखा गया है कि जो डीप ओशन मिशन है उसके बारे में कि इंडिया जो है वो डीप सी माइनिंग के लिए मिशन लाने जा रहा है, ठीक है। और नहीं नहीं जनरली उससे नहीं बनती है, जनरली जो है वो मिट्टी को पका के बनती है, ठीक है। और वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हम अपने यहाँ पर लाए हैं, वो स्मार्ट किसके लाए हैं कि जो भी डीप ओशन माइनिंग है इनके लिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करने के लिए हम अपने यहाँ पर वो स्मार्ट लाए हैं। EEZ are boundaries prescribed by UN clause, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि EEZ कौन प्रिस्क्राइब करता है, United Nations Convention of Laws of the Sea, United Nations Convention on Laws of the Sea, UN clause जो है वो इसको मामला करता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड बेस्ड है, इंटरनेशनल एनजीओ है, 1961 में बना था। और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट को जो है वो मामला ये देखता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये भी एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना जब वो कहेंगे इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जब वो बोलेंगे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इंटर गवर्नमेंटल आ जाए वहां दो सरकारें मिलकर के साथ में काम कर रही हैं, जहां पर जो है वो इंटरनेशनल एनजीओज आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इस विषय का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका सवाल है कि EEZ 12 नॉटिकल माइल तक होता है, भाई बताइए कौन सही करेगा इनको, क्या सही बोल रहे हैं, बारह नॉटिकल, बिल्कुल 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ एक्सटेंड करता है, ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे, उस साल में जो है हम एक साल में अर्थ जितना हमें दे सकती है, जितना एक साल का अर्थ ने हमारे लिए मामला रखा है उसको हम कितनी जल्दी जो है वो खा जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, और उसको रीजनरेट करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है उसको कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। इट इज द डेट व्हेन ह्यूमैनिटी एनुअल डिमांड ऑन नेचर एक्सीड्स द व्हाट अर्थ कैन रीजनरेट ओवर द एंटायर ईयर, मतलब एक साल की हमारी जो व्यवस्था थी, जितना एक साल में पृथ्वी में देने वाली थी, जितना टिम्बर, जितना ऑक्सीजन देने वाली थी, वो हमने कब पहले ही खत्म कर लिया, उसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। और आपको जान करके एक आश्चर्य होगा कि इस साल 29 जुलाई को ही हमने जो है अपने साल भर का कोटा खा डाला, ठीक है, पिछला वाला जो 29 जुलाई था एक साल में, इसीलिए कह रहे हैं लॉकडाउन वॉकडाउन बना रहे थोड़ा ठीक रहेगा, बस हमारी क्लास के लिए खोल दे, ठीक है। वैसे लॉकडाउन के बारे में उन्होंने बोला है कि वो खोलना स्टार्ट कर देंगे 15 जुलाई के बाद, 14 अप्रैल के बाद में, इन फेजेस, यस। लेकिन नोएडा में तो 30 तारीख तक कर दिया ना सर, क्या कर दिया नोएडा में 30 तारीख तक कर दिया, और भी स्टेट में कर देंगे शायद। नहीं नहीं नहीं, वो तो जो 62 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स है ना के लिए है। ओके ओके, ऐसे 80% केसेस इन 62 जिलों से आ रहे हैं वो उनके लिए, हमारे तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है आगे। तो दिस ईयर्स डेट ऑफ ओवरशूट इज द अर्लीस्ट एवर, ये मैंने बता दिया। Humanity is currently using nature 1.7 times faster than our planet's ecosystem can regenerate. ये भी statement सही है। Great Indian Bustard, मुझे इसके बारे में बड़ा कुछ जरूरी लग रहा था तो मैंने आपको सब बता डाला कि शेड्यूल 1 में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है, मतलब यही पाई जाती है, खासकर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान सबसे ज्यादा पाई जाती है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, प्रोजेक्ट गोदावन चला रहा है राजस्थान,
ठीक है, और इसके लिए जो थ्रेट्स है वो क्या है, हंटिंग, पोचिंग, फलाना ठिकाना, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है, और ये स्टेटमेंट सिंगल मोस्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है दैट इट अवॉइड्स इरिगेटेड एरियाज, इट अवॉइड्स इरिगेटेड एरियाज, और 130 बचे रह गए हैं सिर्फ भारत में, और ये जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए हैं हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, फलाना ढिकाना, उत्तर प्रदेश वगैरह से 311। स्पेशल रेवेन्यू, सॉरी रेवेन्यू कैपिटल निकल रहा यार, रात में फोटो भेज भेज, स्पेशल, हाँ साइट्स के भी अपेंडिक्स में, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, काजीरंगा में बनाई गई थी, जो एनिमल बिहेवियर के बारे में जानकार लोग होते हैं उनकी, ग्रेट वन हॉर्न राइनो या इंडियन राइनो सबसे बड़ी इंडियन स्पीसीज है, राइनो की 85% इंडिया में पाई जाती है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, शेड्यूल वन में पाई जाती है, साइट्स में भी वन में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, लेकिन 91% हिस्सा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडियन राइनो किसका पूछ रहे हैं वो, क्या आयुषन स्टेटस, आयुषन स्टेटस किसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, अच्छा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, ये हाँ शायद क्रिटिकली इंडेंजर्ड होनी चाहिए, एक मिनट में ढूंढ रहा हूँ बताता हूँ। Endangered है भाई। सर इस साल ऐड भी हुआ है ना अभी शायद। इस साल अभी जो जनवरी में जो हुआ था। अच्छा एक मिनट। कॉप चार उसमें ऐड हुए हैं, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी था शायद उस लिस्ट में। हाँ तीन तीन ऐड हुए हैं, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई। ये फरवरी में अफेयर्स में करेंगे, ये मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया है, एक बार देख लीजिए। एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए ठीक है, ये इसमें ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि इंडियन राइनोसोरस जो है वो सीड डिस्पर्जन का काम करते हैं, कैसे, अपने एक्सक्रीटा के थ्रू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे फिर एम स्ट्राइप्स, अच्छा ये चार तीनों स्टेटमेंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है, तो इनको दोबारा मैं ले जाना उचित नहीं समझता, और इन पे सवाल मैंने पहले भी पूछ रखा है आप पर, ठीक है। एम स्ट्राइप्स क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, प्रोजेक्ट टाइगर चल ही रहा है, NTCA के बारे में बहुत बार मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, ठीक है, तो NTCA के बारे, अच्छा फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, NTCA पर मैंने अब तक इसी डॉक्यूमेंट में NTCA पे कम से कम तीसरा सवाल है, ठीक है, लेकिन NTCA को आप बहुत अच्छे से उसकी वेबसाइट से करेंगे तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है, ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज, ठीक है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, इट सीक्स टू एम्पावर टाइगर रेंज कंट्रीज टू एड्रेस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। फिर ग्लोबल टाइगर फोरम, क्योंकि इस साल टाइगर बहुत चर्चा में रहा है, टाइगर पे रिपोर्ट भी आई है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑफ टाइगर बियरिंग कंट्रीज, TX2 क्या है, इट्स गोल वॉज टू डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स अक्रॉस द जियोग्राफिकल एरियाज, WWF इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स क्या हैं,
It is a set of criteria which allows tiger sites to check if their management will lead to successful tiger conservation. एक तरीके का कि उनके अपने यहाँ पर अपने उस पर checks रखने की बात है कि आप जो कर रहे हैं उससे tiger conservation होगा भी या नहीं होगा. फिर टाइगर का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN में एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल वन और साइट्स में अपेंडिक्स वन. ठीक है. फिर नेशनल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर्स कैन बी एडिशनली डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व. और इसमें क्या है, कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होते हैं, ठीक है, जो कि इनवायोलेटिव होते हैं और बफर होता है उसके आसपास का एरिया. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला कि पैंथेरा टिग्रिस ये एक टाइगर स्पीसीज है विच इज नेटिव टू इंडिया और जो हमारे यहाँ पर जो टाइगर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस. ठीक है. 80% टाइगर्स हैं सब आपको पता ही है, लेकिन जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मार्शेस में, टॉल ग्रासेस में पाया जाता है. फिर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018 क्या दिखाता है, हमारे यहाँ टाइगर बढ़े हैं और सबसे ज्यादा नंबर कहाँ बढ़ा है, मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है. फिर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, दिस इज अ ब्रिलियंट थिंग. ठीक है. पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, जहां पर आप इस तरह की सर्विसेज जो कि जैसे आप कहीं से वाटर ले रहे हैं, कहीं से टिम्बर ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसको आप उस कम्युनिटी को पे करेंगे जिससे कि उनके लिए एक रेमुनरेशन के तौर पर वो काम कर सके. ठीक है. ध्यान रखिएगा कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये. इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर यूज किया जा सकता है. और लास्ट यूनियन गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान लॉन्च करा है. ठीक है. वाटर कंजर्वेशन के लिए ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है वेरियस मिनिस्ट्रीज का. ठीक है. ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जिसपे चलाया जा रहा है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या होती है, ठीक है, फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू suspect financial transaction जिसे FIU कहते हैं. और इंडिया इज signatory to the International Convention for Suppression of Financing of Terrorism, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and United Nations Convention Against Corruption. इन तीनों चीजों का इंडिया जो है वो signatory है. ठीक है. तो ये आपके ऐसे सवाल थे जो repetitive नहीं थे, जो terms पर नहीं है, मतलब सॉरी जो किसी इश्यूज पर नहीं है जो हमने पहले कर लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म्स पर थे. ठीक है. इनको पढ़िए, रिवाइज करिए. कल एडिशनल 55 क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे जो कि अगस्त के होंगे और उसमें से थोड़ा बहुत मामला जो है वो यूनाइटेड नेशंस के न्यूज लेटर से जो इसमें बचा हुआ है वो वाला होगा. ठीक है. ध्यान रखिएगा. क्या बोल रहे हो लास्ट क्वेश्चन में? नहीं नहीं वो नहीं कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो कि इंडिया ने साइन कर रखी है ट्रीटी. ठीक है ना. चलिए भाई धन्यवाद. इसे पढ़िए, शाम को मिलेंगे हम लोग 7:45 पे. आप लोग ज्वाइन करेंगे न्यूज़पेपर करने के लिए. ठीक. चलिए भाई.